अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये ट्राली वेख रहे हो, ट्राली किधर जा रही है? ये ट्राली जा रही है थल जी। हाँ, ये छोले वढ़ने वाली टीम जा रही है थल दे विच, छोले जाके वड़े सन, क्योंकि साडे कोलों छोलियां दा चनियां दा सीजन शुरू हो चुका है ते हाथ लग चुके ने। ऐ वेख लो, ये ट्राली दे जा रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है तुसे खैर करदे ना, तुसे अलहमदुल्ला मैं भी बिल्कुल खैर ते खरीत नाल आ ता फिट फाट हां। दोस्तों ये ट्राली तुसा वेखी, ट्राली किधर जा रही हो? मैंने आ दिन आज अज थाल साढ़े नाल बड़ी प्यारी बड़ी सोहनी सोहनी वीडियो बनती। मैं कहने मैं नहीं इन्हें जाओ खैर खरीत नाल, तो वो जा रहे हैं थल जा रही है वो ट्राली जी। हाँ दोस्तों, साढ़े को थल चने की फसल गड्डी हुई है, तुम्हें विखाइए कई बार अपनी वीडियोज़ के, तो फसल बिल्कुल तैयार हुई खलोती, हाथ लगे खलोते हैं और सारे जड़े ना अपनी फसल कुंजन जा रहे कि इन्हें अपनी अंत कोई जड़े ना मुल लै के ते वो फसल जड़ी ना वढ़ रहे हैं। बकायदा उन्होंने एक लाट मुकदी है, लाट जनाब अली साढ़े 12 एकड़ जी जमीन होंगी है, अगर ज़्यादा लफ्जा जी आखो तो 100 कनाल की एक लाट बनती है। तो वो अजकल साढ़े को मुख्तलिफ थल मुख्तलिफ रेट हैं, लाट का जड़ा ना रेट जिते घट छोले हैं उत्ते 30,000 तक रेट मुकदा पिया, नाल कोई 10 किलो दाल भी होंगी है, चने होंगे। तो जिते ज़्यादा छोले बड़े बेहतरीन पैन, बड़े ज़्यादा पैन, बड़े घट छोले न उत्ते रेट भी कम अज़ कम 45 से 50 हज़ार है। तो ये माशाल्लाह जो लोग जाते हैं थल कमाई चंगी भली कमाई करके आते हैं, मेहनत भी करते हैं, तो सिला भी चाहते हैं। थल चु जिमें वेले आते हैं तो तले आ जाते हैं, तो वेख लो कणक वगैरह माशाल्लाह पक्या तैयार खलोती हैं, कणक च आ जा सन, कणक वे सन थ्रैशर लग सन, थल भी थ्रैशर लगदियां ने। जिस टाइम छोले वढ़ लेंदे उस टाइम वो एक जाते कट्ठे कर लेंदे, मुड़ थ्रैशर आ जाती, तो थ्रैशर ला के छोले लैदा करके बोरियां वगैरह भर के कोई घर लैके आ जाते, कोई आटा लैके वग जाते हैं। उत्ते मुख्तलिफ अगर रेट कि वेच छोड़िया कि उन्होंने को रख छोड़िया, जिन्हें जरूरत हुई उतने हिसाब हर कोई अपना हिसाब वेख के आ जाता पैसे वगैरह लैके। तो उस तो बाद कणक का सीजन शुरू हो जाता, गंदन का सीजन शुरू हो जाता, मुड़ उत्थे लेबर वगैरह आ जाती है, वो भी कणक वढ़ के मुड़ थ्रैशर शुरू हो जाती है। जेडे ना 2 महीने साढ़े किसान भीरां वास्ते बड़े भी यानी कि काम के लिहाज में जबरदस्त गुजरते हैं, मेहनत भी करेंगे ने, तो उन्हें 2 महीने चाहता फल भी चाहते हैं। साढ़े को थल दे चने की वाढ़ी भी शुरू है, तो हूँ अन करीब 5-7 दिन तक थल वाढ़ी खत्म हो जाती, तो मुड़े गंदम की वाढ़ी शुरू हो जाती, क्योंकि गंदम भी बिल्कुल त्यार हुई खलोती है, सोने वर्गी गंदम हुई खलोती पीली पीली, तो यदि भी जड़ा ना साल किसान जड़ा अपना सिला चा लेंदा। तो इंशाल्लाह इस बार रेट भी काफ़ी अच्छे ने, किसान नू जरम मुबादला भी काफ़ी अच्छा हासिल होने वाला है। मौसम भी दोस्तों काफ़ी खूबसूरत बने हुए, एक बारिश आज तो 6 दिन पहले बारिश हो चुकी है, बड़े ज़बरदस्त आंधी भी आई है, तो नाल तेज़ बारिश भी आई, लेकिन हूँ दोबारा 21 मार्च तो लैके 24 मार्च तक दोबारा मौसम जड़े ने दस ने बदल वगैरह आसमान से हूँ भी काफ़ी तादाद बने हुए हैं। तो हूँ लोग दुआ कर रहे हैं कि यहाँ इस टाइम थोड़ी हवा तो बारिश न जरा कंट्रोल करके रखो, क्योंकि अगे हवा काफ़ी जड़ी ना तेज़ आई है, तो फसल काफ़ी नुकसान कर गई, खासकर गंदम की फसल काफ़ी नुकसान होया, खड़ी फसल थोड़ी लेट गई जमीन तो काफ़ी नुकसान होया, फल ते दाना जड़ा ना ज़ाया होने का ढेर सारे अमकान रोशन हो पाते, दाना ज़ाया हो जाता। फिलहाल लोग अल्लाह ताला दी दुआ कर रहे हैं कि जो थल दे जो फसल कुंज रहे हैं या गंदम वगैरह तैयार हो खुलती, तो हाली ताई अल्लाह ताला जड़ा ना इस अपनी खास रहमत को हाली कंट्रोल च रखे, उस तो बाद बेशक अपनी रहमत अंबार ला देसी। बहरहाल अल्लाह ताला दे फैसले न वही सब कुछ बेहतर जानता है, लेकिन मौसम काफ़ी बेहतर बने हुए, गर्मी यकदम इजाफा हुआ है, लेकिन अल्लाह ताला ने बारिश से ठंडी हवा चला के दोबारा मौसम इंज करो कि सर्दी दोबारा वापस आ गई है, लोग रजाइयाँ रख छोड़ी लेकिन हौले दोबारा रजाइयाँ वापस लेके आ गए ने। ये अल्लाह ताला दा करम है, सब कुछ उसे दी करम है कि मौसम के तेवर अचानक बदल जाते हैं। दोस्तों हवा बहुत तेज़ चली हुई है, तो मौसम भी माशाल्लाह काफ़ी बेहतर बने हुए हैं, ठंडक ठंडक तो खुनकी खुनकी हवा दे विच है, तो मौसम काफ़ी बेहतर बन गए ने। तो नाल मच्छर का सीज़न भी शुरू हो चुका, मच्छर भी काफ़ी तादाद आके टीके छीके सानू ला रहे हैं रात में सावन टाइम, तो दिन में मक्खियां भी तंग कर रही हैं क्योंकि गर्मी का आगाज़ है, लेकिन हाली तीन मौसम बहार है, हाली मौसम बहार है, तो फलों दरख्तों के उत्ते फलों का भी अरूज है, तो बूरों का भी अरूज है, तो फसलों भी सर सब जो शदाब हैं लहरा रही हैं, फुल भी तैयार हैं, तो खालस शहद भी तैयार हो रहे हैं दरख्तों के उत्ते, ठीक है। फिलहाल तो मौसम बहार है, तो माशाल्लाह इन्हें 2 से 3 दिनों के माह रमज़ान की आमद आमद है, तो इंशाल्लाह रोज़े भी ठंडे ठार हो गए। महकमे मौसमियात ने यह भी दसिया कि पहला अशरा जड़ा ना बिल्कुल ठंडे ठार गुजरसी, तो इंशाल्लाह कोशिश कर सारे सारे माह रमज़ान के रोज़े रखने की। हूँ माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो ही खलोती है, ऐ वेख रहे हो ए तू चाचा तोरिया को नहीं बढ़िया, बढ़ी गया
ये तो राया खाला हाल है, कच्चा पछेया भी है। अच्छा तोरिया राया ये उदे बीज इहदे विचों सुक जासी, उस तो बाद वेख रहे दाने वगैरह जड़े ने एक सुका के या डंडे नाल कुट के ते कट्ठे कर ले सन, दोबारा बीज वास्ते काम आ सन। इन्हां दे रेट भी काफ़ी अच्छे हैं इस टाइम मार्केट दे विच। ते ए वेख लो भाई होरा जड़ा सारा राया अपना इकट्ठा कर रहे हैं इस टाइम, रंग रंगे लगे हुए फसलों नूं हर शय नूं। ई मुड़ सटेन दा कि दिखा ला बाहर सटेन दा खा ला नहीं नहीं कौन के घर लाया ना रेडी ते गा। हां गा घर। अच्छा मेरे यूट्यूबर्स देख सकते हो माशाल्लाह गंदम काफी अच्छी फसल इस टाइम तैयार हुई खलोती है। अल्लाह ताला अगर किसे बल्कि बारिश आ जावे तो अच्छी गल है, हनेरी तू आंधी तू अल्लाह ताला इस तूफान तू बचाई रखे, क्योंकि ये फसलों को काफ़ी नुकसान पहुँचता है। तो गंदम माशाल्लाह काफ़ी अच्छी तादाद इस टाइम पाकिस्तान वाफर मकदार मौजूद है, बाद कोई आड़ती वगैरह जड़े कोई दो नंबरी करके तो अचानक माफिया हरकत आंदा तो हर चीज़ में जड़ा ना बैन कर देंदा स्टॉक कर लेंदा, ते मुड़ पाकिस्तान गंदम चावल हर शायद की किल्लत शुरू हो जाती है। तुस आप भी जानते हो बेहतर जानते हो मेरे नाल, ते बरसन दे पट्ठे माशाल्लाह हरे भरे सब वेख सकते हो बहुत ज़्यादा। ये सर्दियों की जानवर वास्ते फसल है खास, ये जानवर तो दुध भी बहुत ज़्यादा देते हैं ते रज के खाते हैं, ये हाजमादार भी होता है। ये बिच राया वगैरह खलोता है पक्का खलोता है, तो हूँ कट के लै जा सन तो घर जाके कोट छुट के सोटे नाल या जिमें छंड छुंड के बीज अलग कर ले सन। अमाम वधिए वेख सकते हो तुस चारा वगैरह अपने जानवर वास्ते इकट्ठा कर रहे हैं। आज तो छोरुका गायब रही है मैदान चो कि लाया। अच्छा मछवाल ही मिलता पिया इध्या हर जात ही मिलता पिया, वेख सकते हो तुसा ए वेख लो आवाम जड़ी ना इन्हों कट्ठा करेंदी पई है, क्योंकि उतो बारिशें वगैरह का सीजन है, ताकि जल्दी जल्दी कट्ठा करके तो घर जाके बीज ही अलहदा कर लईए। यूट्यूब व्यूवर्स ए मैं हालात हो वाकयात तुम दसे ने, तुहानू ही पता लगा कि मौसम के हालात किस तरह है इस टाइम, तो किसानों कितनी फिक्र आँदी अपनी फसलों की कि हर फसल का एक टाइम मुकर्र है, जिस टाइम टाइम मुकर्र हो जाता किसान अपनी दातनियाँ अपने हथियार तेज़ करा के ते कोई थाले चल जाता कोई बेलिया च आ जाता है, तो जंग दे बेले ते अगे भी मशहूर हैं, तो नाले खुशी दे ते विसाखी दे मेले भी शुरू होने वाले, एक दो मेले तुहानू विखा चुके हैं, तो विसाखी दे होर भी एक दो मेले रहिंदे ने। जिस टाइम मेलिया का वक्त है तुहानू मेले भी फिराई सीए तुहानू विजिट करा सी हर शायद उम्मीद है छोटी जी वीडियो तुहानू काफ़ी पसंद आई है, अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल देसी विलेज पीके नू जरूर सबसक्राइब दियो, ये तुहाड़ियां मुहब्बत आउंदियां साढ़े वास्ते सानू कमेंट करना सानू हौसला अफजाई आउंदी है, तो मेरे चैनल लाजमी सबसक्राइब कर दियो। हंसते रहो वसते रहो खुश रहो आबाद रहो, अल्लाह हाफिज़ ते अल्लाह नी के बाद।